देखिए आज चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव करने के लिए लड़ा जा रहा है, इसलिए आज हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के अंदर एक इस प्रकार का उत्साह है। आम आदमी चाहता है कि मैं अपनी वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं डालूँ। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा आज जीत करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दूँगा। दूसरी पार्टियां सीट है जो इसमें डेरा का काफ़ी अहम रोल रखता है जी, और सुनने में आया कि इसमें कांग्रेस को उसने समर्थन दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि डेरे और इस प्रकार के जो बड़े वर्ग समूह हैं उनका अपना अपना एक योगदान रहता है, अपनी अपनी भूमिका रहती है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि किसने किसका समर्थन किया, किस प्रकार की बातों में कोई दम नहीं है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की हमने सरकार दी, जिस प्रकार से हमने जन कल्याण के काम किया, जिस प्रकार से पारदर्शी शासन दिया, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उचित वातावरण दिया है, इस बात के चलते आज आम जन चाहे वो इस प्रकार के मेरे वर्ग समूह सामाजिक संगठन ज़्यादातर लोग आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से जींद उपचुनाव में कांग्रेस को गुटबाजी का शिकार होना पड़ा था, क्या आप मानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए ये तो चुनाव की शुरुआत में इस प्रकार की बातें करके आने लगी थी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब राहुल गांधी जी ने उनकी बस यात्रा की शुरुआत की थी, दिल्ली से बस यात्रा इनकी शुरू हुई थी, और हरियाणा के बॉर्डर पर पहुँचते पहुँचते वो गुटबाजी के अंदर तब्दील हो गई थी। किस प्रकार से एक दूसरे नेता को नीचा दिखाने का काम किया गया था, किस प्रकार से जिन लोगों की घोषणा तक इन्होंने कर दी थी राहुल जी ने कि हमारे यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, जैसे क्षेत्र से नवीन जिंदल जी वो उनके लिए कह करके गए थे राहुल गांधी कि हमारे कैंडिडेट यहाँ से होंगे, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण देश के में प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा से बनाने का, पर दूसरा इनकी अंदरूनी गुटबाजी का जो था उसके चलते नवीन जिंदल को वापस होना पड़ा, इनको अपनी फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट थी ललित नागर को इन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था, भ्रष्टाचार के आरोप जिस प्रकार के उनके भाई महेश नागर के ऊपर लगे, रावत वाड्रा से जिस प्रकार की नजदीकियाँ, जिस प्रकार का उनके उसमें जो थे मामले पुराने जमीन के उसमें नाम आया, उसके कारण से उनको भी कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवार को वापस करके दूसरे उम्मीदवार को उतारना पड़ा। तो इस प्रकार से गुटबाजी बहुत भारी है उस पार्टी में, और निश्चित रूप से गुटबाजी भी इसलिए है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी को जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए इस कारण से और ज़्यादा गुटबाजी उनके ऊपर भारी पड़ी है। सिरसा सीट में आपका टोहना क्षेत्र है विधानसभा, और आप यहाँ के विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो अपने सुधीर दुग्गल हैं वो यहाँ से कितने वोटों से जीतते हैं? देखिए ये तो सारी बातें सामने शाम तक आज क्लियर हो जाएगा, वो भारी मतदान आज जिस प्रकार से हर बूथ के ऊपर हो रहा है, और मैं यहाँ आया तो यहाँ भी देखा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को मत देने वाले लोगों की बहुत लंबी सूची लाइन यहाँ पे लगी हुई थी, तो इसके चलते कहा जा सकता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की, और भारी मतों से यहाँ से जीत करके जाएंगे।